हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो है कि एडसेंस से अप्रूवल लेना है अपने वेबसाइट ब्लॉगर पे। सो उसके लिए आपको जो है कि मेरे स्टेप जो है फॉलो करना पड़ेगा। कैसे मैं जो हूँ कि 10 से 12 पोस्ट के अंदर ही हाईएस्टली जो है कि 15 पोस्ट के अंदर ही जो है कि एडसेंस का अप्रूवल किसी भी साइट पे किसी भी ब्लॉगर पे मैं जो हूँ कि एडसेंस का अप्रूवल ले लेता हूँ। ये मैं पहले भी जो हूँ कि शेयर किया हूँ वीडियो, आपको लाइव प्रूफ ए टू जेड दिखाया हूँ। सो वो वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वो देख सकते हैं आप लोग। लाइव मैं दिखाया हूँ 10 और 12 पोस्ट के अंदर ही कैसे मैं वेबसाइट पे जो है कि अप्रूव करवा देता हूँ गूगल एडसेंस से। तो उसके लिए जो है कि मैं यहाँ पे 5 पेज जो है कि आपको कैसे अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे और ब्लॉगर पे कैसे बनाना है। सो यदि आप ये 5 पेज बना लेंगे तो आपका जो है कि एडसेंस से अप्रूवल जरूर मिल जाएगा। और कैसे जो है कि लो वैल्यू कंटेंट का एरर फिक्स करेंगे वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सो स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आऊंगा मैं। इस वीडियो में आपको मैं 5 पेज जो है कि आपको मैं बताने सिखाऊंगा, जो है कि फर्स्ट पेज प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर टर्म कंडीशन अबाउट अस कंटेक्ट अस, ये 5 पेज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। सो चैनल पे पहली बार आएंगे तो वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, टच करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आएगा बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं mediafile.com, इसके अंदर जो है वर्डप्रेस में लॉग इन हूँ, ठीक है, और डैशबोर्ड में हूँ। सो सबसे पहले मैं इसका साइट को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, mediafile.com। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज बना हुआ है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी। सो इसका स्पेशल वीडियो मैं जो कि बना के एक शेयर किया था। सो वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो सो डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं, और नहीं तो ये वीडियो भी आप देखिएगा तो समझ जाइएगा प्राइवेसी पॉलिसी या जो भी पेज है 5 पेज कैसे बनाना है। सो यहाँ पे पेजेस के अंदर चले जाते हैं ऑल पेजेस पे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए आप जेनरेट प्रेस थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्विकली फास्टली जो कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है इस पर। सो मैं बहुत सारा वेबसाइट जो कि अप्रूव करवा चुका हूँ इस थीम को यूज करके, इसलिए मैं अपना जो कि एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस से जो कि इससे इस थीम को यूज करने से फास्ट जो है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने का चांस होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जो है कि पेज बना हुआ है। सो यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ न्यू विंडो में, ठीक है, यहाँ ओपन हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पे न्यू विंडो में आपको सर्च करना है janhvi.com, ठीक है। सो इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है कि वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं janhvi.com पे ओपन करना है। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप जो है कि डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग इसी से जो है कि कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर वगैरह सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज जनरेटर टूल्स है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशन डिस्क्लेमर अबाउट अस, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कि टर्म प्राइवेसी पॉलिसी तो बना हुआ है, फिर भी एक बार मैं इस वीडियो में रिव्यू कर देता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट नेम डाल देना है, यहाँ पे वेबसाइट का URL डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, सबमिट करना है और जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे मैं टर्म और कंडीशंस आपको बनाकर दिखाता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर दिया। सो इसे मैं कटआउट कर देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से ओपन हो गया। सो यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देना है, सो वेबसाइट का नाम यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ mediafile.com, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, वेबसाइट का URL चाहिए। सो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। सो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो गया, सो यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी क्लिक किया, सक्सेस का ऑप्शन आ गया, ओके कर देना है, यह कॉपी हो गया। यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो चुका है और ये नेक्स्ट नेक्स्ट। सो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिटर कोड में कर देना है कन्वर्ट HTML में, और यहाँ पे जो है कि उस कॉपी किए थे उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देना है टर्म्स टर्म कंडीशंस लिख के, ठीक है, और यहाँ पे
पब्लिश पे क्लिक करना है। ये पब्लिश मैंने क्लिक किया और ये देखिए पेज जो है कि व्यू करने का ऑप्शन आ गया। व्यू करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस प्रकार का आपका भी पेज जो है कि बन जाएगा टर्म कंडीशंस का। इसी प्रकार से जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी का भी बनाना है, ठीक है। तो इसे मैं कटआउट करता हूँ और यहाँ से फिर से जो है कि न्यू पेज ओपन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर ओपन करता हूँ। यदि आप janvitech.com से जो है कि अपना पेज जनरेट करते हैं तो आपका 100% में 100% मैं आपको आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो है एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे वेबसाइट नेम डाल देना है, यहाँ पे वेबसाइट URL डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी का बटन है, कॉपी पे क्लिक करते ही यह कॉपी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे मैं क्लिक कर दिया था न्यू टैब में, तो ये ओपन हो रहा है। मेरा नेट स्लो है इसके वजह से टाइम लग रहा है। और यहाँ पे HTML कोड एडिटर में ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे कि यहाँ से आपको सबसे पहले कोड एडिटर में ओपन कर लेना है, ठीक है, तभी यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो है कि अपना डिस्क्लाइमर लिख देना है, डिस्क्लाइमर्स लिख देना है और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिश कीजिएगा यह पब्लिश हो जाएगा। इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप का दिख रहा है। सो ये देखिए इस प्रकार का आपका डिस्क्लाइमर पेज बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि अबाउट अस पेज कैसे बनाना है, सो यहाँ से फिर से एक न्यू ले लिया न्यू पेज और यहाँ से कटआउट करना है और यहाँ पे अबाउट अस का पेज जनरेट करना है। सो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि वेबसाइट नेम डाल देना है, वेबसाइट का URL डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, जो भी आपका कैटेगरी है। तो यहाँ पे टेक डाल देता हूँ और यहाँ पे टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू डाल दिया और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है वेबसाइट का, अपना नाम डालना है जो भी आपका नाम होगा। सो यहाँ पे मैं सुधीर डाल देता हूँ। यहाँ पे एक ईमेल आईडी अलग डाल सकते हैं और नहीं तो फिर सेम भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सेम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे FB पेज का लिंक डालना है, यहाँ पे ट्विटर का लिंक डालना है। सो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी जल्दी से जो है कि लिंक डाल देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी डाल दिया लिंक। आप भी इसी प्रकार से डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेज जो है जेनरेट हो गया। सो यहाँ पे आप कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है न्यू पेज के अंदर और यहाँ पे जो है कि HTML कोड एडिटर में ओपन है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल डाल देना है अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस लिख के पब्लिश पे क्लिक करना है। ये देखिए पब्लिश हो गया। यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके आप देख दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए इस प्रकार के जो है कि अच्छा खासा पेज जो है कि बन जाएगा आपका, देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से जो है कि आपको सेम फॉलो करना है ब्लॉगर के अंदर। सो मैं एक बार ब्लॉगर के अंदर भी आपको दिखाता हूँ जनरेट करेंगे। सो यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल रहा है, पेज पे क्लिक कर देते हैं। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पेज पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। HTML व्यू पे क्लिक करने के बाद इसे जो है सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल डाल देना है ABOUT अबाउट अस और इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश जैसे ही करेंगे फिर से कंफर्म करना है और ये देखिए पब्लिश हो गया। सो इसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ व्यू करके। सो ये देखिए आपका इसी प्रकार से जो है थीम आप यूज कीजिएगा, जिस प्रकार का उस प्रकार का आपका बन जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो है कि पेज शो हो रहा है। सो इसी प्रकार से जो है कि आपको ब्लॉगर के अंदर भी आपको जो है कि बनाना है, ठीक है। सो अब बात कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सभी पेज यहाँ पे शो होने लगे।
ये देखिए अबाउट अस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशंस। अब बच गया एक पेज जो है कि कॉन्टैक्ट अस, सो उसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पी फॉर्म पे क्लिक करना है, ये देखिए, सो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम आ गया जो कि रिक्वायर्ड है, ईमेल आईडी जो है कि रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे कमेंट और मैसेज यहाँ पे है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप योर नेम भी लिख सकते हैं इसका, YOUR योर नेम, ठीक है। यहाँ पे योर ईमेल आईडी लिख देता हूँ, योर ईमेल, और ये लिख सकते हैं योर कमेंट और मैसेज, ठीक है। ये रिक्वायर्ड हटा दीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी मैसेज बिना फिल किए भी सबमिट कर सकता है, सो ये रिक्वायर्ड ही रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट कोड यहाँ पे मिल रहा है, सो इसे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पे पेज के ऑप्शन में चले जाना है, ऐड न्यू कर देता हूँ। तो अभी ये जो है कि कोड एडिटर में ही यहाँ पे ओपन है, सो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे वेजुअल एडिटर में क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है कि पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख देना है, और ये पब्लिश पे क्लिक करना है, और ये पेज व्यू कर देना है एक बार क्लिक। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा पेज व्यू जो है कि दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। योर नेम हो गया यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे योर ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो भी मैसेज यहाँ पे फिल करने उसे डाल के और सबमिट कर सकता है। सो इसी प्रकार से जो है कि फाइव जो है कि पेज बनाना है, और यहाँ पे जो है कि मेनू बार में शो नहीं कर रहा है, सो आप जो है कि यहाँ से मेनू बार आप अपना देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि अपीयरेंस के अंदर जाके और यहाँ पे मेनू बार सेट कर सकते हैं। सो वो तो आप जानते ही होंगे कैसे सेट करना है। यदि आपको नहीं पता है जनरल प्रेस थीम को कैसे एडिट करेंगे, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है कि उस वीडियो को देखकर और बहुत ही आसानी से जो है कि गूगल एडसेंस के, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जल्दी से ऐड भी कर देता हूँ और आपको दिख भी जाएगा। सेम मेनू में क्लिक कर दिया और इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशन डिस्क्लेमर कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, यहाँ पे पेज भी मेनू में शो होने लगा, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताया वो पांच पेज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पांच पेज होती है, जो कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने आपको बताया कैसे बनाना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको गूगल एडसेंस से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एरर आ रहा है, सो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे मैं लिंक दे रखा हूँ, लाइव मैं प्रूफ दिखाया हूँ कैसे गूगल एडसेंस से जो है कि 10 से 12 पोस्ट के अंदर मैंने अप्रूव करवाया। सो इस वीडियो को मैं पेंट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।